टूल किट र पर्दाफाश सामना को आसिला टूल किट पछरे थिबा खलनायकर चेहरा कानाडार पोएटिक फाउंडेशन साजिछि मास्टरमाइंड खलिस्तानी विच्छिन्नतावादी मो धालिवाल द्वारा प्रस्तुत होइछि टूल किट खलिस्तान एजेंडा पई कृषक आंदोलन को करा जाइछि अस्त्र मोहरा होइछंती विदेशी सेलिब्रिटी भारतर कृषक आंदोलन समर्थन करी विदेशी सेलिब्रिटी माने ट्वीट करिबा परे एही आंदोलन पछर षडयंत्रर पर्दाफाश हेबारे लागिछि। एही षडयंत्रर मोहरा पलटिथिबा स्वीडिश परिवेश कर्मी ग्रेटा थनबर्ग निज ट्वीटरे जेउ टूलकिटर पोस्ट करिछंती ताकु नै वर्तमान पूरा विश्वरे सृष्टि होइछि तुम्बी तूफान। एही टूलकिटर लेखक बा एहा प्रस्तुतकारीक मुखा खोलिबारे लागिछि। प्रथमे ग्रेटाक विरोधरे एही टूलकिट कु नै एतला दिया जाइथिले मध्ये अनुसंधान परे एही टूलकिट र प्रकृत लेखक बा प्रस्तुतकारी पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन बोली जणा पडिछि। एहा परे दिल्ली पुलिस एही प्रो खलिस्तानी ग्रुप विरोधरे एतला दायर करिछि। तेबे वर्तमान एही कानाडा बेस्ड प्रो खलिस्तानी संस्था पोएटिक जस्टिस र मुख्य नायकक ना सामना को आसिछि। कानाडा र भैंकोवरे रहुथिबा एही मो धालिवाल हेउछंती एही टूलकिट र प्रस्तुतकर्ता बा मास्टरमाइंड। मो धालिवाल भारतर कृषक मानको समर्थन करिवार अड़ुआड़े एही टूलकिट प्रस्तुत करी देश विभाजनर एक मास्टर प्लान बा नक्सा प्रस्तुत करिछंती। एपरिकि 26 जनवरी दिन ही से कानाडार भारतीय दूतावास आगरे एक भिडियो उत्तोलन करिथिले जेउथिरे कि से भारतर आंदोलनकारी कृषक मानको देश विरोधी कार्यकलाप कराइबाकु उस्काउथिबार जणा पडुछि। एथिरे से केवल कृषि आईन को फेराइ नेबा ही कृषक मानकर विजय नुहे बरं अनेक दशक आगरु खलिस्तान पाई जो इच्छा थिला ताहा एही कृषक आंदोलन द्वारा ही पूर्ण होई परिबो बोली कहिछंती। केवल धालिवाल नुहंती ए गोष्ठीर अनेक विच्छिन्नतावादी जोड़ी होइछंती जेउ माने कि कृषक आंदोलन को अस्त्र करी निजर खलिस्तानी एजेंडा को सफल करबा को प्रयास चलाइछंती। तेबे मो धालिवाल को द्वारा लिखित ए टूलकिट रे भारतर आंदोलनकारी कृषक मानक पई एक सुचिंतित मास्टर प्लान करा जाइछि जेउतिरे जनवरी 26 रो हिंसा कांडर योजना ओ एहाकु किपरि ठीक भाबरे कार्यकारी करा जिवो तार संपूर्ण लेखा अछि। आंदोलनर समर्थनकारी रो मुखा तळे देशकु विभाजित करबाकु प्रयास करूतबा ए विदेशी शक्ति माने ग्रेटा ओरिहानाक परि सेलिब्रिटी को मोहरा करि भारत विरोधरे षडयंत्रकु रूप देबाकु चेष्टा करूछन्ति। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।